तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में जहां से मैंने छोड़ा था वहां से रिज्यूम करूंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूंगा कि अगर आप बता देता हूँ, अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या फायदे हैं, आपको क्या क्या मिलेगा। तो डेली लाइव क्लासेस, जो मोर देन 40 लाइव क्लासेस होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, ये सारी चीजें इनकी व्यवस्था करवाई जाएगी। इसके साथ साथ ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इसके माध्यम से कैसे इंटरफेस खोल के आता है और आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। साथ ही साथ आगे आप बढ़ोगे तो देखो कि जैसे कि मेरा नाम देवी सिंह है, ये पिक लगी है ऑलरेडी, और मैं इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ हिस्ट्री ऑप्शनल और पॉलिटी के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसके अंतर्गत आप ये देखिए, ये टेलीग्राम लिंक है, इससे आप जुड़ जाइए, सभी आपको हैंड आउट मिल जाएगा। और ये क्या है, ये प्रोफाइल लिंक है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे इसी प्लेटफॉर्म से और एजुकेटर जुड़े हुए हैं, जिनसे जुड़कर अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। इसी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत पूरा सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। जैसे कि इसमें से करीब 15,000 से रिकॉर्डेड फॉर्म 15,000 से ज्यादा रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर पड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे पास एक प्लान है, यानी प्लस से रिलेटेड है, एक आइकॉनिक से, एक आइकॉनिक के साथ साथ एक दूसरा प्लान क्या है कि एक दूसरा प्लान जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आइकॉनिक का, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शनल का। इसके अंतर्गत देखिए, आप आईएएस एस्पिरेंट है, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप ना क्या सब्सक्राइब करो कि 12 मार्च से 36 मार्च तक सब्सक्राइब कर लो, और ये कोड लगाना मत भूलो, ये कोड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट SPDSC10, ठीक है, SPDSC10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड है। इससे आपको क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। सच है, आप 12 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हो, जो कि फीस 49,500 है, आपको मात्र पेट करनी होगी 44,550 रुपया, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास ये आइकॉनिक का प्लान है। आइकॉनिक के अंतर्गत ये सारी चीजें आप देख ही रहे हो, अगेन इसमें से लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोचेज, स्टडी प्लानर, ये सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप इस पे ये देख सकते हो, जैसे कि ऑप्शनल के अंतर्गत अगेन आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर ये कोड यूज करते हो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूंगा कि भैया 12 मार्च से 36 मार्च तक सब्सक्राइब कर लो, ठीक। सॉरी, आपने देखिए जो भी रेजोल्यूशन लिया 21 के लिए, 22 के लिए या 23 के लिए यूपीएससी क्रैक करने का, तो हमने उसी के अकॉर्डिंगली कुछ बैच स्टार्ट हुए हैं। ये 21 के लिए हैं, ये 22 के लिए हैं, और ये बैचेस 23 के लिए हैं। तो आप इनसे जुड़ के पढ़ाई कर सकते हो, और वो कोड लगाना मत मेरा भूलिए, SPDSC10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक दूसरा प्लान हमने लेकर आए हैं यूपीएससी सीएससी और ऑप्शनल को लेकर के कॉम्बो। इसके अंतर्गत आप देखोगे ना कि ये जो इसमें से, अच्छा ये जो कोड है, ये कोड है DBYT, यहाँ पे यूज करना है DBYT, क्या है DBYT। इसमें ऑप्शनल और जीएस दोनों कवर होगा। सच है, 12 मार्च सब्सक्राइब करके 88,705 रुपया, जो कि आपको 70,107 देना पड़ेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आइकॉनिक का प्राइस जल्दी हाइक होने वाला है, तो जल्द से जल्द आप जुड़ जाओ और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, ओके। सो चलिए देखिए, हमें लास्ट लेक्चर में, हम याद है मुझे जहां तक, सॉरी कि दोहा डेवलपमेंट, दोहा राउंड हमें पढ़ना था। तो एक्चुअल में इसका उद्देश्य क्या है, ये है क्या, जरा इसके बारे में हम डिटेल से क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखो, दोहा की अगर हम बात करें तो दोहा राउंड को आधिकारिक तौर पर नवंबर 2001 में दोहा, यानी कतर में, कतर कहिए तो, WTO के MC4 यानी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फोर में, इसकी जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, जो सम्मेलन है इस कॉन्फ्रेंस में, इसकी शुरुआत करी गई। तो कब, दोहा राउंड को आधिकारिक तौर पर नवंबर 2001, कब, नवंबर 2001 में दोहा कतर, है ना, दोहा कतर में WTO की MC4 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, चौथी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, तो MC4
फोर में, एमसी फोर में शुरू किया गया, में शुरू किया गया। देखो भैया, इसके अंतर्गत आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैंने जब डब्ल्यूटीओ पढ़ा रहा था तो मैंने मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस बताया था कि अब तक 12 या 13 मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, जो कि 19 हमारे यहाँ दिल्ली में होती है और 20 जाके अफगानिस्तान में, ठीक है। तो इतनी ये जो दोहा राउंड के अंतर्गत जो डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है, तो अब देखो कि ये दोहा राउंड क्या है, जरा इसका मीन क्या है, ये तो आपको पता चल गया कि ये कब स्टार्ट होता है। इसका कुछ तो उद्देश्य होगा, ऐसा तो है नहीं है कि इसका कोई उद्देश्य नहीं होगा। तो सॉरी, देखो अगर इसकी बात करें हम तो दोहा राउंड डब्ल्यूटीओ सदस्यों के मध्य व्यापार वार्ता का एक ये नवीन दौर चल रहा है। जैसे कि दोहा राउंड के अंतर्गत आप ये कह सकते हो कि इस समय ये जो इरा है, ये जो टाइम है, ये डब्ल्यूटीओ के जो सदस्य देश हैं, कितने 164 देश हैं, जो कि अंतिम देश अफगानिस्तान, 64वां, 164वां देश अफगानिस्तान है, इन सभी के मध्य डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के मध्य, डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के मध्य ये व्यापार वार्ता का नवीनतम दौर है। सदस्यों के मध्य व्यापार वार्ता का, किसका? व्यापार वार्ता का नवीनतम दौर है, व्यापार वार्ता का नवीनतम दौर है। देखो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आपको ये जो पढ़ रहे हो ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि इसकी इंफॉर्मेशन, इसका कॉन्सेप्ट, कि इनका एक्चुअल में क्या औचित्य है, इनकी थीम और इनका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, ये हमें पढ़ना है और यही एक्चुअल में एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने पूछा कि एक्चुअल में जो दोहा राउंड है, ये डब्ल्यूटीओ सदस्यों के मध्य एक नवीनता का, वो नवीनतम दौर है वार्ता का, ठीक है, वार्ता का नवीनतम दौर है। आप ये कह सकते हो जो इसके उद्देश्य क्या है, तो आपको उद्देश्य तो पता होना चाहिए। तो वैसे डब्ल्यूटीओ के क्या उद्देश्य है, अगर उसी की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कोई अगर समिट होती है तो क्या उद्देश्य होंगे कि व्यापार बैरियर्स जो बाधाएं हैं उनको खत्म करना या उनको कम करना या निम्न करना। ध्यान रखिएगा, व्यापार बाधाओं को खत्म करना, ये इसका क्या है, ये इसका मोटो है, ये इसका उद्देश्य है, व्यापार बाधाओं को खत्म करना। साथ ही साथ व्यापार नियमों की शुरुआत के माध्यम से जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में अहम सुधार लाना, व्यापार नियमों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में क्या करना, सुधार लाना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में क्या करना, इसके माध्यम से सुधार करना, इसके माध्यम से सुधार लाना, ठीक है। ये यहां तक आपने चीजों को देखा। अब इसमें से इसको ना, ये जो उद्देश्य है इसको अर्ध आधिकारिक तौर पर, जो दोहा समिट है, दोहा विकास एजेंडा भी इसको कहा जाता है, तो इसको अर्ध आधिकारिक, ध्यान सुनिएगा, यानी अर्ध आधिकारिक तौर पर इसको क्या कहा जाता है, इसको दोहा विकास एजेंडा भी कहा जाता है। दोहा राउंड को दोहा विकास एजेंडा, दोहा विकास एजेंडा, इसी वजह से डेवलपमेंटल क्या है, डेवलपमेंटल एजेंडा, तो विकास एजेंडा कहा जाता है, एजेंडा कहा जाता है। अब एक्चुअल में इसका देखिए मौलिक उद्देश्य क्या है, मौलिक उद्देश्य आपको इसका समझना पड़ेगा। मैंने उद्देश्य बताया ये सब, ठीक है, ये उद्देश्य है इसका, ये दूसरा अदर नेम है, आप ये कह सकते हो अदर नेम के अंतर्गत दोहा विकास एजेंडा भी कहा जाता है, लेकिन इसका मौलिक, इसका मौलिक उद्देश्य क्या है, तो विकासशील देशों की व्यापारिक संभावनाओं में सुधार करना। ध्यान रखिएगा, विकासशील, इसका क्या मौलिक उद्देश्य है कि विकासशील जो देश है, विकासशील देशों की व्यापारिक संभावनाओं में सुधार करना, संभावनाओं में क्या करना, सुधार करना, विकासशील देशों की व्यापारिक संभावनाओं में सुधार करना। इसके साथ साथ देखोगे कि मैंने इसका ये आधिकारिक तौर से बताया कि ये कब हेल्ड हुआ, तो आपने दोहा एजेंडे के अंतर्गत ये चीजों को क्या किया, देखा। अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें से, जो डब्ल्यूटीओ की स्थापना के बाद, ये जो 6 साल होता है, 94 में उसकी स्थापना होती है, तो उसके बाद डब्ल्यूटीओ के कुछ मुद्दे जो रह जाते हैं, जो कुछ इश्यूज हो जाते हैं, उनको इसमें से स्वीकारा जाता है,
और ये मुद्दे कुछ इस प्रकार है। इसके अंतर्गत इन मुद्दों को, इसमें से किन किन मुद्दों को उजागर करने की बात करी जाती है, अगेन इंपॉर्टेंट, एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसको AOA बोलते हैं। दूसरा होता है नामा, यानी नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, नामा, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, ठीक है। तीसरा होता है गैट, गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ये इन पे बात करी जाती है। तो हम दोहा एजेंडे के अंतर्गत ये उद्देश्य होते हैं कि इनके अंतर्गत ये जो मुद्दे होते हैं दोहा एजेंडे के अंतर्गत, अब इन मुद्दों को आपको बारी बारी से देखना है, इन मुद्दों, ये जो मुद्दे हैं इनको हमें डिटेल से देखना है, बारी बारी से देखना है। तो पहले हम एग्रीमेंट ऑन, जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है अर्थात ये, इसको क्या करें, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो भैया ये समझौता, ये एक्चुअल में समझौता, ये एग्रीमेंट है क्या? तो इसके अंतर्गत जो ये एग्रीमेंट है, ये समझौता है, ये कृषि उत्पाद के व्यापार को बिना किसी बैरियर्स के, बिना किसी गतिरोध के बढ़ावा देने का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, तो कृषि उत्पाद के व्यापार को, ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य डायरेक्ट हम लिखते हैं ना, उद्देश्य, तो कृषि उत्पाद के व्यापार को, जो कृषि उत्पाद है, अभी बताऊंगा, जो कृषि उत्पाद उत्पाद के व्यापार को बढ़ावा देना, ऐसा कह सकते हो, व्यापार को बढ़ावा देना बिना किसी बैरियर के, बिना किसी गतिरोध के, बिना किसी गतिरोध के, बिना किसी गतिरोध के, ठीक है ना। तो किसको, यानी कृषि उत्पाद के व्यापार को बिना किसी गतिरोध को क्या करना, बढ़ावा देना। तो ये एक्चुअल में जो एजेंडा है AOA के अंतर्गत है, इसके लिए कुछ पिलर्स आए, इसके लिए कि हम इसको AOA यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंतर्गत, जो इसका पर्पज है, जो इसका उद्देश्य है, कृषि उत्पाद के व्यापार को, जो कृषि से संबंधित जो कृषि के प्रोडक्ट है, उसके व्यापार को बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी बैरियर के क्या करना है, बढ़ावा देना है, क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो इसके लिए कुछ हम टूल्स का, अर्थात ये कह सकते हो कुछ पिलर्स का, कुछ एग्रीमेंट का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत, AOA के अंतर्गत कुछ स्तंभ है, इसको, इस समझौते को पूरा करने के लिए, इसके उद्देश्यों को, AOA के उद्देश्यों को, यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ पिलर्स है, कुछ क्या है, पिलर है। अब इन पिलर्स को जरा बारी बारी से आपको देखना है, हम क्या करते हैं इसमें सही कलर कौन सा रहेगा, अच्छा ये कलर भी ठीक रहेगा। तो देखो इसके अंतर्गत कौन कौन से पिलर है, नंबर एक, एक पिलर है घरेलू समर्थन, घरेलू समर्थन, अभी इसके आगे से बात करेंगे घरेलू समर्थन का मतलब क्या है, घरेलू समर्थन। दूसरा है बाजारी अनुमति, मार्केट एक्सेस, बाजारी अनुमति, ठीक है, बाजारी अनुमति। और तीसरा है जो भैया इंपॉर्टेंट है, निर्यात सहायकी, निर्यात सहायकी, सहायकी, इनको बारी बारी से देखना है। अब फिर दोबारा से सुनेगा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आता है, मैंने कहा कि दोहा एजेंडा आया, दोहा एजेंडा का उद्देश्य क्या है, कि जो WTO के अंतर्गत पिछली कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जो सम्मेलन हुए थे, उनमें कुछ मुद्दे रह गए थे जिनका इजाद नहीं निकल पाया, तो इसके अंतर्गत कुछ मुद्दे आए, जैसे कि मैंने इसके अंतर्गत आपको तीनों मुद्दे बताए, तो जैसे कि AOA, नामा और गैट। तो यानी AOA है, AOA एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसका उद्देश्य है कि भैया जो कृषि क्षेत्र से संबंधित जो प्रोडक्ट है, जो कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रोडक्ट है, उनका अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिना किसी बैरियर के क्या करना, व्यापार करना, व्यापार को बढ़ावा देना, ये तो उसका उद्देश्य है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ जाता है इस उद्देश्य में, कि इसका उद्देश्य फुलफिल नहीं हो पाता है, तो इस पिलर्स के माध्यम से, जो इसके स्तंभ है, इस एजेंडे के अंतर्गत जो ये एजेंडा होता है, औपचारिक रूप से जो दोहा सम्मेलन होता है, इस एजेंडे का इनको हिस्सा बनाया गया। और इसमें क्या कहा गया, पहले तो आप देख लो कि घरेलू समर्थन का क्या है, मतलब क्या है। अगर हम इससे पहले एक चीज और बताएं,
इन तीन मुद्दों में से, अगर इन तीन मुद्दों में से आखिरी मुद्दा विश्व व्यापार में किसी भी प्रकार के बिना भेदभाव और बिना भ्रांति को खत्म करने के उद्देश्य से उठाया गया, कोई भी भ्रांति नहीं होना चाहिए, जो पहला और आखिरी मुद्दा है, किसी भी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, AOA, ये जो पहला मुद्दा है। इसके अंतर्गत आप देखोगे कृषि क्षेत्र में जो प्रदान किए गए जो परिदान है, जो सब्सिडी है, जो कृषि क्षेत्र में सब्सिडी दी जाती है, तो वह सब्सिडी क्या करेगी कि आयात और निर्यात को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तो दूसरा, जो इस सब्सिडी को कैसे कम किया जाए, क्या इसके लिए इजाद किया जाए, इसके बारे में बात करी जाएगी इन प्लस के अंतर्गत। साथ ही साथ जो दूसरा मुद्दा है, दूसरा मुद्दा ये हो जाता है कि कृषि व्यापार के संदर्भ में क्या करना है कि इसके जो बैरियर्स हैं, इस बैरियर्स को खत्म करना है, तो इन मुद्दों पे काफी राय बनती दिखाई देती है। ठीक है, कि जो घरेलू मैंने बताया, फिर दोबारा से सुनिएगा कि जो आप सब्सिडी प्रदान करते हो जैसे एग्रीकल्चर से क्षेत्र में, तो उस सब्सिडी के चलते कुछ समस्याएं आ जाती हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है इससे सब्सिडी के चलते प्रभावित होता है। दूसरा समस्या ये हो जाता है कि अगर आप इस क्षेत्र में बैरियर से क्रिएट कर देते हो तो भी दूसरी समस्या क्या आ जाती है, उसके दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसके अंतर्गत आप भाई देखना है कि पहला जो मैंने बताया घरेलू समर्थन, पहला मुद्दा आपको मैंने बताया घरेलू समर्थन, तो इसका घरेलू समर्थन का मतलब क्या है, जरा आपको थोड़ी से घरेलू समर्थन ये देखना है, क्या देखना है, घरेलू समर्थन, घरेलू समर्थन देखोगा, देखिएगा, सरकार द्वारा किसानों को दिए गए उस सहायकी को कहा जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से निर्यात, क्या है, निर्यात से संबंधित नहीं होता है, लेकिन यह उत्पादन की प्रक्रिया और उपभोग की प्रक्रिया में दिया जाने वाला सब्सिडी होता है। तो यह जैसे कि MSP, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP है, ये इसी के अंतर्गत आता है। तो घरेलू समर्थन में आपको जो सब्सिडी है, ये डोमेस्टिक सपोर्ट आप कह सकते हो, क्या है, डोमेस्टिक सपोर्ट है, ये सरकार द्वारा किसानों को एक प्रकार का एज है, एक प्रकार का सहायकी है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सहायकी कहते हैं, जो कि प्रत्यक्ष तौर से ये निर्यात से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी जब किसानों को ये सरकार के द्वारा दिया जाएगा तो यह निर्यात को क्या करेगा, सस्ता बना देगा। जब यह निर्यात को सस्ता बना देगा तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो लीस्ट डेवलपिंग नेशन है या फिर जो डेवलपिंग नेशन है, उनका जो घरेलू प्रोडक्शन है वो प्रभावित होगा। जरा इसको देखिएगा कि घरेलू जो प्रोडक्शन है, जो घरेलू उत्पाद है, ये सब्सिडी के माध्यम से कैसे प्रभावित होता है। मान लो कि जैसे ये भारत है भैया, ये क्या है, भारत के किसान है, तो ये भारत सरकार अपने किसानों के लिए क्या कर दे कि कृषि क्षेत्र में सब्सिडी, जैसे MSP, कृषि क्षेत्र में सब्सिडी दे दे, सहायकी दे दे, किन्हें, फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के लिए सहायकी दे दे, सब्सिडी दे दे, सब्सिडी दे दे, कहां, कृषि क्षेत्र में। तो इस सब्सिडी के चलते जो किसानों का उत्पाद है, जो किसानों का उत्पाद, ये लोग क्या कर जाएंगे, इन्हें ये सस्ता पड़ेगा, तो यह अपना ज्यादा से ज्यादा उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्या कर सकेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में उतार सकेंगे। जब इंटरनेशनल मार्केट में उतार सकेंगे तो इन लोगों को तो फायदा होगा, ये ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को बढ़ाएंगे, क्योंकि इनको सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से एक सहायता मिल रही है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उन व्यापारियों का, उन देशों का व्यापार प्रभावित होगा, जैसे कि जो हमारी तरह है, या वहां जो निर्यात सॉरी आयात, वहां का मान लीजिए जो प्रोडक्शन है महंगा है, ठीक है, तो वह देश क्या करेंगे, विरोध करेंगे कि भारत अपनी सब्सिडी को, जो किसानों को सब्सिडी देता है, इसको क्या करे, खत्म करे, इसको खत्म करे। तो जैसे MSP इसी का उदाहरण है। तो ये कहा गया इसके अंतर्गत, जो भैया आप परिधान प्रदान कर रहे हो उसको क्या करना है, परिधान को खत्म करना है या कम करना है। ठीक है, अब आगे देखो कि डायरेक्टली, ये तो आपने देखा कि घरेलू डोमेस्टिक सपोर्ट है, दूसरा मैंने बताया निर्यात सहायकी। निर्यात सहायकी का मतलब क्या है, निर्यात सहायकी, निर्यात सहायकी, देखो निर्यात सहायकी की बात करें तो ये भी एक प्रकार का परिदान है, ये भी एक प्रकार की सब्सिडी है, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, किसी
क्या करती है, सस्ता देखने सस्ता रखने के लिए उसको दिया जाता है, निर्यात सहायकी को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, उदाहरण से समझिएगा, मैंने कहा निर्यात सहायकी ये भी एक प्रकार की सब्सिडी है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकारों द्वारा अपने क्या है निर्यातकों को एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है, ताकि उस देश का ज्यादा से ज्यादा निर्यात हो सके और उसकी इकोनॉमी का साइज, ऑब्वियस जब आप ज्यादा से ज्यादा निर्यात करोगे तो दूसरे देशों को बेचोगे तो दूसरे देश आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा देंगे, तो आपका इकोनॉमी का साइज क्या होगा फैलेगा। तो इस उद्देश्य से निर्यातक देश अपने निर्यातकों को सब्सिडी प्रदान करते हैं, इस उद्देश्य से निर्यातक देश अपने निर्यातकों को सब्सिडी देते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इसको खत्म करने या कम करने की मांग करी गई, आगे हम इनको और डिटेल से देखेंगे, पहले बस आप यहां तक सुनना है। तीसरा मैंने भैया बताया था बाजारी अनुमति, यानी मार्केट एक्सेस, बाजारी अनुमति अनुमति, ये बाजारी अनुमति से मतलब क्या है, इस बाजारी अनुमति का जरा मतलब समझिएगा। देखो ये बाजार यानी मार्केट एक्सेस है, कृषि उत्पादों के आयात पर, कृषि उत्पादों के ध्यान रखिएगा, उत्पादों के आयात पर, इसमें आयात पर लागू होने वाला अतिरिक्त शुल्क, इसके आयात पर लागू होने वाला अतिरिक्त शुल्क क्या करती है, अतिरिक्त शुल्क को कम करने का उद्देश्य रखा जाता है। अगर मान लो जो कृषि से संबंधित कोई उत्पाद है, अगर उसके आयात पर कोई बैरियर्स, कोई टैरिफ लगा दिया जाए, तो अतिरिक्त शुल्क को कम करने का उद्देश्य है इसका, अतिरिक्त शुल्क को बाजारी जो एक्सेस है, बाजारी अनुमति, इसका क्या उद्देश्य है, इसको कम करने का उद्देश्य है, कम करने का उद्देश्य है, जिससे बिना किसी गतिरोध के, बिना किसी बैरियर के एक सदस्य देश दूसरे देशों को, ध्यान से सुनिएगा, एक सदस्य देश कृषि उत्पादों को निर्यात किसी अन्य सदस्य देश को कर सके। तो इसमें से कोई देश कृषि उत्पादों पे किसी भी प्रकार का क्या है, कोई अतिरिक्त शुल्क बैरियर्स नहीं लगाएगा, इसमें से ये इसकी व्यवस्था करी जाने की बात कर रही है, मतलब इसका बात किया जा रहा है। तो अब ये आपने देखा कि ये जो दोहा एजेंडे में ये तीन चीजों को डिस्कस किया गया, तीन मुद्दों को सामने लाया गया, तो इन मुद्दों से पहले इन मुद्दों को आपने डिटेल से देखा, अब आपको देखना है जो अगला इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि WTO के अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला परिदान है, एक्चुअल में इनको तीन श्रेणी में क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सा परिदान क्या है और कैसे प्रभावित करता है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो WTO के अंतर्गत, इसके अंतर्गत WTO के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला परिदान, कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला परिदान मतलब सब्सिडी, ठीक है। तो इनको डिटेल से देखना है, पहला है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी मैंने उस दिन बताया था, यहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो जरूरी था उतना आपको बताना, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। दूसरा है भैया एम्बर बॉक्स सब्सिडी। तीसरा है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, डिटेल से देखेंगे इन्हें, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। अब इनको जरा आप पहले ब्लू बॉक्स सब्सिडी देख लो, फिर एम्बर बॉक्स सब्सिडी, और फिर इसके बाद हम देखेंगे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, इनका मतलब क्या होता है, इनको डिटेल से बारी बारी से हमें देखना है, ठीक है। अच्छा चलो देखो, ब्लू बॉक्स सब्सिडी अच्छे से मिटा लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं ना। देखो कृषि क्षेत्र में जो WTO के अंतर्गत दिया जाने वाला परिदान है, पहले तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। देखो उत्पादन को कम रखने के उद्देश्य, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्पादन को कम रखने के उद्देश्य से यानी जो उत्पादन है
उसको कम रखने के उद्देश्य से इस सब्सिडी को, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, कृषि क्षेत्र के उत्पादों को अपने पूर्व क्षमता से कम उत्पादन के लिए क्या दिया जाता है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी दी जाती है कृषि क्षेत्र में। ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे मान लो, इसमें मैं ये कह रहा हूं, भारत सरकार है, क्या है, भारत सरकार है, भारत सरकार है, अपने किसानों को कह दे, फॉर एग्जाम्पल अपने किसानों को कह दे, आप जो सोयाबीन उगा रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, आप जो सोयाबीन उगा रहे हो तो सोयाबीन आप क्या करो कि मत उगाओ, अपने खेतों में मत बो, सोयाबीन मत बो। तो ये कहेंगे कि हमारा क्या फायदा है, किसान कहेंगे, तो आपको सरकार कहेगी कि कोई बात नहीं है, आपका जो प्रोडक्शन नहीं करोगे उसकी भरपाई, उसकी क्षति हम क्या करेंगे, उसकी क्षति कर देंगे, उसकी क्षति कर देंगे। तो ये जो क्षति है इसी को ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। अब समझ में आया, ये जो क्षति है, ठीक है, ये क्षति की भरपाई ही, इसी को ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। इसको और आप थोड़ी से और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ब्लू बॉक्स सब्सिडी का मतलब क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है, ये आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। देखो, मैंने ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत बताया कि होता है एक्चुअल में क्या है, और अच्छे से समझना है इसको। देखो, उत्पादन को कम रखने के उद्देश्य से इस सब्सिडी को प्रदान किया जाता है कि जो प्रोडक्शन है उसको कम रखा जाए। यहाँ एक कृषि उत्पादक को अपने पूर्व क्षमता, जो उसकी उसकी पूर्ण क्षमता है, तो अपनी की अपनी पूर्ण क्षमता को क्या करना है, कम करना है, उसको उत्पादन को कम करना है। और ये निर्देश दिए जाते हैं कि उत्पादन को कम करने के लिए आपको सब्सिडाइज किया जाएगा जो आपको क्षति होगी, तो इससे जो होने वाला लॉस होगा क्या किया जाएगा, उसे परिधान के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से वो सरकार क्या करेगी, पूरा करेगी। तो ऐसे परिधान कुछ एक देश क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो WTO के अंतर्गत मैंने बताया, ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो है। तो इसको ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। समझ में आया कि उत्पादन को अपनी पूर्ण क्षमता से कम रखना है, और वो जो देश है अपने जो उत्पादकों को जो क्षति होगी वो लास्ट क्या कर देगा, पूरा कर देगा, ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहलाता है। सॉरी, अब देखो एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ये क्या है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, बॉक्स सब्सिडी जो मैंने टेलीग्राम चैनल बताया है, ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी ऑन करता है, इसमें सारी नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी, हैंड रिटन सारी नोट्स मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होना है। चलो एम्बर बॉक्स सब्सिडी देखो थोड़ा सा। देखो, व्यापार को सर्वाधिक प्रभावित करता है ये जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। कैसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, जरा इसको देखना है कि सबसे ज्यादा प्रभावित करने का मतलब क्या है। देखो, इसमें होता क्या है कि निर्यात की प्रक्रिया में किसानों को जो दिया जाने वाला परिधान है, निर्यात की प्रक्रिया में किसानों को दिया जाने वाला परिधान है, ये परिधान डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, यानी अप्रत्यक्ष परिधान भी इसमें सम्मिलित होता है और इसमें से प्रत्यक्ष परिधान भी सम्मिलित होता है। तो WTO के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में जो दिए जाने वाले परिधान है, तो इसको पूर्णतया खत्म करने की इसमें से कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में आप देखोगे कि जैसे कि एक और रेड बॉक्स सब्सिडी का कोई वो नहीं है, रेड बॉक्स सब्सिडी की कोई अवधारणा नहीं है, ठीक है। तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी का अंतर्गत क्या किया जाता है कि किसानों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्यात की प्रक्रिया में, इसके निर्यात की प्रक्रिया में इन्हें सब्सिडाइज किया जाता है। ये सबसे ज्यादा विश्व व्यापार को प्रभावित करती है। कैसे, जरा उदाहरण से समझिएगा कि मान लो कि किसान है, ये भारत सरकार है, उदाहरण मैं भारत से दे रहा हूं, ऐसा भारत नहीं करती है, ज्यादातर हमारा देश ऐसा नहीं करता है, विश्व व्यापार को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। जैसे हम भारत सरकार है, भारत सरकार अभी जो मैंने उदाहरण दिया था, तो जैसे अपने किसानों को कहे भारत सरकार कि आप क्या करो कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोडक्शन करो, और आप चीजों को सस्ते में भी बेचना है, कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन जो आपको लॉस होगा हम क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष तया, यानी प्रत्यक्ष तया,
या अप्रत्यक्षतया हम क्या करेंगे, सब्सिडाइज कर देंगे। तो अब क्या फायदा भारत सरकार का? आप कहेंगे कि अगर ये सब्सिडाइज कर रही है भारत सरकार तो लॉस होगा। जी नहीं, आप देखो कि बड़ी मात्रा में हम क्या कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्शन को, अपने क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्शन को एक तरीके से अपने किसानों को हम बोनविटा दे रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो इससे जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, इसका जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, इकोनॉमी ऑफ स्केल में इसी वजह से पिछले लेक्चर में बताया था, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल के चलते भारत को फायदा हो जाएगा जो चीन करता है अक्सर। इसी वजह से मैंने जब लास्ट लेक्चर बता रहा था मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसमें बताया था कि चीन हमेशा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता रहता है। उसका एक कारण ये भी है कि वो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसको प्रभावित करता है। तो मान लो ये किसानों को अगर सब्सिडाइज कर दिया जाए, भारत सरकार सब्सिडाइज कर दे, तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ये जो किसान है, ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट में या डेवलपिंग नेशन में अपने जो वस्तु है, सॉरी अपने जो उत्पाद है, उनको क्या कर देंगे, पंप कर देंगे। इससे दूसरे देश का जो प्रोडक्शन है और निर्यात, यानी सॉरी निर्यात कह रहा हूं, आयात, वो क्या होगा, प्रभावित होगा। उसका जो आयात और निर्यात दूसरे देशों का प्रभावित होगा। तो इसमें कहा जाता है, इसके अंतर्गत जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, एक निश्चित दर तक इसको कम किया जाना चाहिए, इसको निश्चित दर तक कम किया जाना चाहिए। अब निश्चित दर तक कम कर किया जाने का मतलब क्या है? तो इसमें एक ये कहा गया है कि विकसित देशों के लिए जो परिधान दिया जाता है वो कम से कम दिया जाए, मतलब मिनिमम दिया जाए, कुल कृषि के उत्पादन का मात्र, कुल कृषि का जितना भी उत्पादन हो रहा है विकसित देशों का, तो वो मात्र अपने उत्पादन में से 5% तक इसको क्या करना है, सब्सिडाइज करना है, 5% तक कम करना है। लेकिन विकासशील देशों के लिए इसको घटा करके 10% तक लाया गया। दोबारा समझिएगा, इसे आप नहीं समझे। देखो भैया, कहा गया कि जो सब्सिडी है इसको कम करना है, लेकिन अब पूरी तरीके से तो खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसमें परिसीमन, यानी एक सीमा निश्चित करी गई, इसमें एक सीमा निश्चित करी गई। इसमें कहा गया कि विकसित देशों के लिए इस परिधान को कम करके कुल कृषि के उत्पादन के मूल्य का 5% तक आपको मात्र सब्सिडाइज करना है विकसित देशों के लिए, एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत विकसित देशों के लिए, यानी डेवलप्ड कंट्री के लिए, डेवलप्ड कंट्री के लिए कितना, ये सीलिंग 5% की है, 5% की है, ठीक है। लेकिन यही जो जो नियम है वो डेवलपिंग कंट्री के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए कितना है, ये 10% है। जैसे कि भारत इसमें से 10% तक क्या कर सकता है, सब्सिडाइज कर सकता है, सब्सिडाइज कर सकता है। तो आपने देखा एम्बर बॉक्स सब्सिडी, कृषि क्षेत्र में ध्यान रखिएगा रेड बॉक्स सब्सिडी का कोई उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्सिडाइज को शून्य नहीं किया जा सकता है, इसमें कोई शून्य करने की कोई अवधारणा नहीं है, खत्म करने की कोई अवधारणा नहीं है, इस वजह से यहाँ रेड बॉक्स सब्सिडी नहीं है। तो इसके अंतर्गत कम तो करना है, लेकिन एक निश्चित सीमा तय कर दी गई है। अब देखो ग्रीन, और ये सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो विश्व व्यापार को जो उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगला है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, बॉक्स सब्सिडी भैया, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है? देखो ये वैसा सब्सिडी है, ये वैसा परिधान है जो जारी रह सकता है, इससे बहुत बड़ा समस्या नहीं है। यह प्रभावित तो करता है, लेकिन बहुत कम या फिर ना के बराबर विश्व व्यापार को प्रभावित करता है। तो यह सबसे कम प्रभावित करता है, यह सबसे कम प्रभावित करता है, सबसे कम प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। क्यों सबसे कम प्रभावित करता है? जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है दिया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, ये कब दिया जाता है? तो देखो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वह सब्सिडी या वह परिधान होता है जब कृषि अनुसंधान के उद्देश्य से, कृषि अनुसंधान के उद्देश्य से दिया जाए, ध्यान रखिएगा, कोई रिसर्च के उद्देश्य से। तो कृषि अनुसंधान, कृषि अनुसंधान की वजह से, अनुसंधान की वजह से अगर दिया जाए तो दिया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, ये सबसे कम या न्यूनतम प्रभावित करता है। तो प्रभावित तो करता है विश्व व्यापार को, लेकिन बहुत कम। अब मान लो जैसे कि भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये भारत सरकार क्या करे कि अपने किसी कृषि वैज्ञानिक को बोले और बोले कि आप रिसर्च करो, तो अपने रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए क्या कर सकता है, चलो हम इतना सब्सिडी देंगे, आप रिसर्च करो, आपको कोई इससे समस्या नहीं है, ठीक है। तो देखो ये आपने यहां तक चीजों को
तो आपने यहां तक उम्मीद करता हूं कोई क्या होगा, कोई डाउट नहीं होगा, आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब अगला है नामा, ध्यान रखिएगा उसी के अंतर्गत जब मैं आपको दोहा डेवलपमेंट पढ़ा रहा था तो याद आ रहा होगा दोहा डेवलपमेंट के अंतर्गत AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो उसके अंतर्गत मैंने अभी तक जो सब्सिडी बताई और उसका आपको उद्देश्य उसका पर्पज बताया। अब दोहा डेवलपमेंट के अंतर्गत दूसरा जो मुद्दा बन के आया ये नामा यानी नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस का आया, किसका, नामा का, नामा NAMA, इसको क्या कहते हैं भैया, इसको नॉन एग्रीकल्चर, इसके नाम से पता चलता है नॉन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, मार्केट एक्सेस, मार्केट एक्सेस, इसका मतलब क्या है, इसका क्या उद्देश्य, कुछ तो पर्पज होगा। तो देखो इस समझौते के रूप में ये जो एग्रीमेंट है ये समझौता है, इसके रूप में वैसे वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देने की बात करी जा रही है, वैसे वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है जो AOA का हिस्सा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जो AOA का, यानी AOA में क्या था, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सारा प्रोडक्ट जितनी भी बात हुई वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए AOA के अंतर्गत बात हुई, लेकिन ये नामा है ये एग्रीकल्चर से अलग जो जो पदार्थ है, ठीक है, यानी जो वस्तुएं हैं उनको व्यापार में बढ़ावा देने के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि जो AOA है ये AOA से अलग अलग वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, वस्तुओं वस्तुओं के व्यापार को, वस्तुओं के व्यापार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए नामा लाया गया। समझ आया? अब जैसे AOA से डिफरेंट क्या हो सकेगा, अलग क्या हो सकेगा, ये अगेन इंपॉर्टेंट है भैया। AOA से डिफरेंट और ये अलग कैसे, क्या चीज होगी, जरा इस पे फोकस करना है। उसमें सारे कृषि उत्पाद थे लेकिन इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि खनिज पदार्थ, जो AOA से संबंधित नहीं होगा, इससे अलग होगा, तो इसमें क्या क्या पदार्थ आएगा, जैसे कि खनिज पदार्थ, इसमें क्या आ जाएगा, खनिज पदार्थ। तो इनके व्यापार को क्या करना है, बिना रिस्ट्रिक्शंस के, बिना बैरियर्स के बढ़ाना है। खनिज पदार्थ में जैसे आप कह सकते हो कच्चा तेल, क्या, कच्चा तेल, कच्चा तेल के साथ साथ विनिर्मित वस्तुएं यानी मैन्युफैक्चर वस्तुएं जिनका विनिर्माण होता है कहां पे, जिनका, जैसे कि कंपनी में, तो विनिर्मित वस्तुएं यानी मैन्युफैक्चरर्स गुड, ठीक है। तो इन सभी वस्तुओं को क्या करना है, यानी नामा के अंतर्गत इनके आयात और निर्यात को बढ़ावा देना है, इनके आयात और निर्यात को बढ़ावा देना है। तो इसके अंतर्गत सभी सदस्य देशों, जो सभी सदस्य देश WTO के, वो एक दूसरे देशों को, यानी एक देश दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या करेगा, दर्जा प्रदान करेगा। और इसमें से जो बैरियर्स और नॉन बैरियर्स टैरिफ हैं, जो कि जो टैरिफ हैं, जो एक बैरियर्स टैरिफ है और कुछ नॉन बैरियर टैरिफ है, उनको क्या करना है, उनको इस गतिरोध को, बैरियर्स को खत्म करना है, जो गतिरोध है इसको क्या करना है, पूरी तरीके से खत्म करना है। और किसी भी सदस्य के प्रति, जो कोई भी सदस्य है WTO का, तो इस व्यापार से संबंधित भेदभाव के पूरी तरीके से खत्म कर देना है या कम कर देना है। यही दोहा एजेंडा क्या होता है, उसका एक पर्पज होता है नामा। तो नामा का ओवरऑल थीम आपको क्या समझ आया, दोबारा से सुन लीजिएगा, बस एक मिनट भैया। जो नामा है, देखो नामा जो दोहा एजेंडे के अंतर्गत तीन चीजों की बात करी गई, एक गैट्स, एक AOA और एक नामा, ठीक है ना। तो इसमें आपने देखा AOA जितना कृषि प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देना है, बस एक लाइन याद रखना है। जब आप भूलने लगो कि AOA क्या है, दोहा एजेंडा क्या है, दोहा एजेंडे में तीन इशू बड़े उभर के आते हैं, तो एक ये याद रखना है कि भैया जो AOA है, AOA के अंतर्गत आपको जो कृषि से संबंधित चीजें हैं उनके व्यापार को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बिना बैरियर के, बिना गतिरोध को बढ़ावा देना है। तो इसी के अंतर्गत WTO के अंतर्गत कुछ सब्सिडीज है जो कृषि क्षेत्र में जो परिदान है जो दी जाती है, तो उनसे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और उनको कम करने की क्यों बात चली, क्योंकि मैंने नंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स चली बताया। अब इसके अंतर्गत दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आता है नामा का। नामा का मुद्दा क्या होता है कि भैया जो
इससे अलग है, जो कृषि क्षेत्र से अलग वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है, तो उनके व्यापार में कोई गतिरोध ना हो सके, उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। खनिज पदार्थ जैसे कच्चा तेल हो गया, और इसके साथ साथ बहुत सारी खनिज पदार्थ, बहुत सारी चीजें हो गई, इसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। ये भी दोहा एजेंडे का एक अहम हिस्सा होता है, बिना किसी गतिरोध के, बिना किसी गतिरोध के। तो आपने नामा को भी भैया देख लिया, अब नामा के अंतर्गत कोई डाउट नहीं है। अब तीसरा मुद्दा याद करो, तीसरा मुद्दा मैंने बताया था गैट, गैट, गैट्स है ना, वो GATT था, वो गैट जब मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वही तो क्या होता है, पहले 1947 में ऑर्गेनाइज्ड होता है, फिर उसी के एक उत्तराधिकारी के रूप में WPO उसकी क्या लेता है, स्थान लेता है, उसको प्रतिस्थापित करता है। तो वो GATT था, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ था। ये यहाँ डिफरेंट है, ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ट्रेड इन सर्विस। तो जरा देखो, इसके भी नाम से भैया पता चल रहा है, जनरल जनरल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, ट्रेड इन सर्विस, बहुत आसान सा है, इन सर्विस। इसका क्या उद्देश्य है, ये भी दोहे एजेंडे का जो तीसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये भी होता है, ठीक है। हमने दोहा एजेंडे के अंतर्गत, जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा है, इसके अंतर्गत दो मुद्दों को डिस्कस किया, एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कहेंगे AOA, दूसरा नामा, और ये जो तीसरा क्या है, गैट्स। तो भैया गैट क्या है, देखो ये जो समझौता है, वहां देखो कृषि से उत्पाद जो संबंधित प्रोडक्ट था उसका भी काम हो गया, उसके लिए भी बात हो गई, और जो गैर कृषि से संबंधित पदार्थ था उसके लिए भी बात हो गई। तो वस्तुओं के लिए तो बात हो गई, लेकिन हमारा जो आज की दुनिया है सिर्फ वस्तुओं पे नहीं चल रही है, जो टर्सरी सेक्टर का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो टर्सरी सेक्टर यानी सेवाओं का। तो भैया जो ये समझौता है, ये सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। ये क्या करता है, ये सेवाओं के व्यापार को, ध्यान रखिएगा, सेवाओं के व्यापार का व्यापार को बढ़ावा देने को, बढ़ावा देने का उद्देश्य, व्यापार को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है, उद्देश्य रखता है, व्यापार को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। इसके अंतर्गत ध्यान से सुनिएगा, अभी इसका उद्देश्य क्या है, आप इसको थीम समझिए, इसका पर्पज क्या है, कि जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सर्विस में भी सभी के एक्सेस होना चाहिए, और नेशनल ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या है, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सभी के साथ समानता का अधिकार, समानता का व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो सेवाओं के व्यापार को क्या किया जाएगा, बिना गतिरोध के बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है। तो इसके अंतर्गत भैया कहा जाएगा, इस एग्रीमेंट के अंतर्गत, कि जो सभी देश, ध्यान रखेगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ साथ, इसमें जो MF, मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ साथ नेशनल ट्रीटमेंट की भी अवधारणा लाई गई, इसकी नेशनल ट्रीटमेंट, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, सभी के साथ कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी के साथ नेशनल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट होगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगा। तो आप देखोगे कि जो ये अवधारणा है, यह सुनिश्चित करती है कि किसी एक देश में जो कार्यरत कोई भी सेवा प्रदान करने वाली क्या हो, कंपनी हो, तो वह कंपनी दूसरे देश, जैसे कि कोई दूसरे देश की कंपनी किसी उस देश में सेवा प्रदान कर रही है, तो उस देश की घरेलू कंपनियों के ही समकक्ष उसको रखा जाए, और उन दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, दोनों के लिए व्यवहार और नियम क्या हो, समान हो, किसी के साथ असमानता या भेदभाव नहीं दिखाया जाए। तो यह क्या है, जो व्यक्ति के आवागमन, दूसरा इसका उद्देश्य क्या हो जाता है, कि ये भी इंश्योर करता है एक्ट के अंतर्गत, कि व्यक्ति के आवागमन, जो व्यक्ति का आवागमन है, वो भी बिना किसी गतिरोध के क्या है, सुनिश्चित होना चाहिए, ये भी इसका उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ साथ नेशनल ट्रीटमेंट की अवधारणा लाई गई इस गेट के अंतर्गत। इसमें कहा गया कि अगर मान लो, उदाहरण से समझो आप, उदाहरण से आपको ये समझना है, अच्छा इसमें से पेज चला गया, चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ से, यहाँ पे देख लो, उदाहरण से आपको यहाँ पे समझना है कि भैया ये जो गेट है, क्या है, गैट्स, गैट्स के अंतर्गत आप एक चीज देख पाओगे,
इसमें सर्विस को बिना किसी बैरियर्स को बढ़ावा देना है, सर्विस को। तो सदस्य देश मान लो कि ये यूएसए है, ये यूएसए है, और ये क्या है, इंडिया है, इंडिया है। तो अगर भारत की कोई कंपनी, सेवा प्रदाता कंपनी, हमारी सारी कंपनी सेवा तो देती है ज्यादा से ज्यादा, तो यूएसए में मान लो स्थापित है, तो ये यूएसए को चाहिए, यूएसए गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी कंपनी के साथ ठीक वैसा व्यवहार करे जैसे कि अपनी घरेलू कंपनी के साथ कर रहा है, जैसा कि अपनी घरेलू कंपनी के साथ कर रहा है। तो आप देखोगे इसके अंतर्गत कि नेशनल ट्रीटमेंट की, यानी इसमें से इक्वल ट्रीटमेंट की अवधारणा प्रस्तुत करी गई गैट के अंतर्गत। और इसमें से इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सेवाओं के व्यापार को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, यानी व्यापार में सेवाओं के मार्केट को क्या करना है, बढ़ावा देना है, सेवाओं को बढ़ावा देना है। तो ये आपने गैट के अंतर्गत देखा। देखो गैट के अंतर्गत मैंने एक दूसरा भी चीज बताया था, ठीक है, दूसरा क्या चीज बताया था कि इसमें से अगर कोई व्यक्ति है तो उसके आवागमन को बिना किसी गतिरोध के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के उसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ये भी उसका उद्देश्य है। तो आप ये कह सकते हो कि गैट के अंतर्गत बिना किसी, अब जो गैट का उद्देश्य क्या है, अब थोड़ा सा दो लाइन में सुन लो कि गैट के अंतर्गत बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी बैरियर के, बिना किसी गतिरोध के, बिना किसी प्रतिरोध के सेवाओं का व्यापार क्या है, सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन परंतु इसमें से एक एक्सेप्शन है, इसमें से एक एक्सेप्शन है कि अगर सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाली जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो इसके दायरे से बाहर रखी जाएंगी। जो सरकार प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करता है तो वो इसके अंतर्गत नहीं रखेंगे। इससे भी समझ लीजिए जो स्टेटमेंट मैंने बोला, मान लो कि इसकी कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक सेवा कोई कंपनी प्रदान करती है तो उसको एज दी जा सकती है, यूएसए में उसको एज दी जा सकती है, उसके प्रशासन से संबंधित है, उसको क्या है, एज दिया जा सकता है। तो आपको भैया देखना है इसके अंतर्गत कि अगर उसको एज दी जा सकती है तो किसी भी प्रकार से दूसरी कंपनी, अब जरूरी नहीं है कि भारत की कंपनी इसको लेकर के नेशनल ट्रीटमेंट हो, क्यों, क्योंकि ये प्रशासनिक सेवा से संबंधित है, तो ये इसका एक्सेप्शन है, ये इसका एक्सेप्शन है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो बाली सम्मेलन होगा, क्या होगा, बाली सम्मेलन। तो बाली सम्मेलन में ये जो दोहा एजेंडे से कुछ और भी जो विवाद है, कुछ चीजें उत्पन्न हो जाएंगी, कुछ मुद्दे आएंगे, तो इस ये मुद्दे, इनका सॉल्यूशन कोशिश किया जाएगा सर्च आउट करने के लिए, कहाँ, बाली सम्मेलन में। तो इसमें खाद्य सुरक्षा, साथ ही साथ यानी व्यापार से संबंधित कुछ और सुविधाओं की बात करेंगे, जैसे और इसमें से जो अविकसित देश है तो अविकसित देशों के लिए क्या है, सहायता की भी बात किया जाएगा बाली सम्मेलन के अंतर्गत। तो हम इसी के अंतर्गत ट्रेड फैसिलिटेशन और ट्रिम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सभी को नोट्स मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जो मैंने पहले बताया था प्रोफाइल में आपको याद आ रहा होगा, इसे आप देखिए। तो यहां से आपको क्या कर जाना है, इस पे मूव कर जाना है, सारी नोट्स मिल जाएगी, ये टेलीग्राम का ये लिंक, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे सर्च कर लीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।